वेलकम एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सीमेंस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। पिछले टॉपिक में हम लोगों ने डिटरमिनेंट के बारे में जाना था कि डिटरमिनेंट कहते किसको है, इसको निकालने का तरीका क्या होता है, ठीक है, और इसका क्या क्या वैल्यू आ सकता है, देखा किससे सकते हैं और किन का डिटरमिनेंट निकाला जाता है। स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटरमिनेंट निकाला जाता है। निकालने का तरीका था हर डिटरमिनेंट का, जैसे कि हम लोगों ने तीन डिफरेंट ऑर्डर के डिटरमिनेंट निकालने का तरीका देखा था। तो पहला था मेरा 1x1 मैट्रिक्स का, ठीक है, इसका डिटरमिनेंट भी खुद आता है। दूसरा था मेरा 2x2 मैट्रिक्स का, इसका डिटरमिनेंट मेरा AD-BC आता है। और तीसरा था मेरा 3x3 मैट्रिक्स का। डिटरमिनेंट निकालने के लिए हमको तीन चीज तीन बार करना पड़ता है। पहला तो -1i+j, i+j मेरा रोज और कॉलम का पोजीशन है, और उस रोज और कॉलम के पोजीशन पे जो एलिमेंट एसोसिएटेड होगा यानी aij उसको लिखते थे मल्टीप्लाई में टाइम्स मल्टीप्लाई उस एलिमेंट से एसोसिएटेड डिटरमिनेंट। जैसे फॉर एग्जांपल इस एलिमेंट से a से एसोसिएटेड डिटरमिनेंट मेरा ये बनता है efhi, b से एसोसिएटेड डिटरमिनेंट मेरा ये बनता है क्योंकि ये तो ढक जाएगा यानी dfgi, और मेरा c से एसोसिएटेड डिटरमिनेंट ये बनता है degh। तो जिस एलिमेंट से जो एसोसिएटेड डिटरमिनेंट होता है उसको लिखते हैं प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट कितने एलिमेंट है। तो इस टर्म को तीन बार लिखेंगे, वही यहां पे हम लोग लिखते हैं और इसका रिजल्ट आया। इस वीडियो में हम लोग एग्जांपल से देखते हैं कि 1x1 का वैल्यू अगर 5 है, 1x1 मैट्रिक्स का वैल्यू 5 है तो इसका डिटरमिनेंट क्या है। तो डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 5, यानी खुद जो एलिमेंट होगा वही उसका डिटरमिनेंट होगा। बी का डिटरमिनेंट क्या आता है, डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू 1x4-3x2 यानी 4-6 इज इक्वल टू -2। अब 3x3 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट, इसको निकालने के लिए आइदर तो हम रो ले सकते हैं या कॉलम ले सकते हैं। तो हम लोग रो के अलोंग डिटरमिनेंट निकालते हैं। हम लोग को फॉर्मूला पता है, वो फॉर्मूला हम यूज किए थे -i का पावर i+j टाइम्स एलिमेंट का पोजीशन ij टाइम्स इससे एसोसिएटेड डिटरमिनेंट, ठीक है। तो 1 लिखेंगे तो 1 का पोजीशन क्या होगा, -1 का पावर 1+1 फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, ये आ सकता है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम टाइम्स 1 इटसेल्फ। अब इससे एसोसिएटेड डिटरमिनेंट, तो इसको ढक देंगे और इसको ढक देंगे। डिटरमिनेंट निकालने के लिए उस रो और उस कॉलम को पूरा ढक देते हैं जहां पे एलिमेंट आई करता है। 9 × 5 = 45 - 48 - 6 = 48 + अगेन यही यूज करेंगे -1। अब 4 कहां है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1+2 × 4 टाइम्स, अब इससे एसोसिएटेड डिटरमिनेंट फिर क्या होगा, इस कॉलम को ढक देंगे इस रो को ढक देंगे, 9 × 2 = 18 - 8 × 3 = 24 + अब इससे एसोसिएटेड डिटरमिनेंट 7 से, तो -1 का पावर 1+3 पहला रो तीसरा कॉलम 7 इटसेल्फ टाइम्स, अब इसको कॉलम को ढक दिए हैं इस रो को ढक दिए, 6 × 2 = 12 - 15। अब इसको सॉल्व करने पे आंसर मेरा 0 आएगा। तो यहां पे हमने 1x1 मैट्रिक्स का, 2x2 मैट्रिक्स का, 3x3 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना सीख लिया। और एक और एग्जांपल लेते हैं 3x3 मैट्रिक्स का, देखते हैं कि उसका डिटरमिनेंट क्या है। तो मान लेते हैं मेरा डिटरमिनेंट दिया हुआ है b इज इक्वल टू, मेरा कुछ दिया हुआ होगा 1 2 1 1 2 1 1 मान लेते हैं या 0 ले लेते हैं, ठीक है 1 2 0। फिर अगला दिया होगा मेरा 3 4 5 और नेक्स्ट वन दिया होगा 1 0 2। अब इस मैट्रिक्स का हम लोग डिटरमिनेंट निकालेंगे, तो पहले हम लोग रो वाइज निकालते हैं, ठीक है, रो वाइज डिटरमिनेंट निकाल के देखते हैं। तो इस रो के अलावा हम लोग डिटरमिनेंट निकालते हैं फर्स्ट रो का,
वही सिंपल प्रोसीजर है जो हम लोगों ने बार बार किया था। रो वाइज हम लोग हमेशा डिटरमिनेंट निकालते हैं, कॉलम वाइज एक बार निकाल के देखते हैं कि कॉलम का इसके आंसर आता है। कॉलम वाइज हम लोग ने पहले किया नहीं था, इसमें करके देख लेते हैं। तो हम लोग ये रो हटा देते हैं और ये कॉलम चूज करते हैं। तो पहला कॉलम का पहला एलिमेंट है वन, साइन वही प्रोसेस रहेगा। साइन देने का तरीका टोटली सेम रहेगा, साइन देने के तरीके में कोई गलत नहीं होगा। माइनस वन एलिमेंट और उसका डिटरमिनेंट, तो यहां पे होगा डिटरमिनेंट ऑफ डी इज इक्वल टू माइनस वन, वन का पावर क्या है वन प्लस वन, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो टाइम्स वन टाइम्स, अब वन से एसोसिएटेड डिटरमिनेंट, तो फोर टू जा एट माइनस जीरो प्लस। अब सेकेंड एलिमेंट आएगा टू और इसका लोकेशन है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो माइनस वन का पावर वन यहां पर टू आएगा, सॉरी टू प्लस वन यानी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट है मेरा टू टाइम्स, इससे एसोसिएटेड डिटरमिनेंट है मेरा टू से, यानी इसको ढक देंगे इसको ढक देंगे, थ्री टू जा सिक्स, सिक्स माइनस फाइव, और थर्ड में जीरो है। ठीक है, तो जीरो से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही आएगा, लेकिन फिर भी हम लोग एक्सपेंड कर देते हैं प्लस माइनस वन का पावर, जीरो का पोजिशन क्या है थर्ड और फर्स्ट कॉलम, थ्री प्लस वन टाइम्स जीरो टाइम्स इससे एसोसिएटेड डिटरमिनेंट, तो इससे एसोसिएटेड डिटरमिनेंट है मेरा इसको ढक दिए इसको ढक दिए। ठीक है, तो आएगा मेरा थ्री टाइम्स जीरो जीरो माइनस फोर टाइम्स वन फोर, अल्टीमेटली ये जीरो ही होगा, लिखने का लिख दिए हम इसको, लेकिन जीरो आएगा तो कोई इसका टर्म का मान तो नहीं रहता। अब माइनस वन का पावर टू वन आया, वन टाइम्स एट, वन टाइम्स एट माइनस वन का पावर माइनस नहीं यहां पर पहले एक्सप्लेन, वन का पावर ऑड माइनस वन का पावर ऑड मेरा माइनस वन ही है, यानी माइनस वन टाइम्स टू टाइम्स वन, और प्लस जीरो का पावर एनीथिंग कुछ भी रहे जीरो ही आना है, जीरो का पावर नहीं सॉरी जीरो का मल्टीपल एनीथिंग जीरो ही होगा। तो मेरा आएगा आंसर एट माइनस टू इज इक्वल टू सिक्स। ठीक है, सारा कैलकुलेशन सही हम लोग किए, एट हुआ माइनस टू सिक्स आ रहा है। अब हम लोग देखते हैं क्या रो के अलावा एक्सपेंड करने पर डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या आता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने कॉलम के अलावा एक्सप्लेन किया था, रो के अलावा एक्सप्लेन करते हैं। तो रो मान लेते हैं ये मेरा, इसको मान लेते हैं डेल्टा वन, और अगर कॉलम के अलावा करते हैं तो डेल्टा टू। ठीक है, अब जैसे इसको रिपीट नहीं करना है, वन है तो माइनस वन का पावर वन के आगे क्या लगता है हमेशा प्लस होगा। ठीक है, ये साइन देने का भी तरीका है। ठीक है, किस तरीके से जिस भी एलिमेंट को लेते हैं यहाँ पे पावर सजाने का एक तरीका होता है, ये सारा एलिमेंट प्रिंसिपल डायगोनल वाला पॉजिटिव कैरी करता है, फिर ये अदर डायगोनल वाला भी पॉजिटिव करता है, बाकी सारा एलिमेंट निगेटिव पे सज जाता है। ठीक है, बाकी सारा एलिमेंट हम लोग निगेटिव करते हैं, जैसे माइनस थ्री माइनस टू माइनस जीरो माइनस फाइव, हम लोग देखे भी यहाँ पे टू के साथ माइनस आया था। ठीक है, तो हम लोग इसके अलोंग करते हैं, किसके अलोंग करते हैं रो के अलोंग करते हैं, तो वन पॉजिटिव आएगा वन, वन का डिटरमिनेंट क्या आएगा मैं इसको ढक देंगे फोर टू जाएगा माइनस जीरो, फिर यहाँ पे क्या आएगा थ्री माइनस थ्री आएगा माइनस थ्री टाइम्स माइनस थ्री के अलोंग क्या डिटरमिनेंट ये दोनों को ढक देंगे ये और इसको, तो टू टू जा माइनस फोर और माइनस फोर माइनस जीरो। अब मेरा वन के अलोंग क्या आएगा इसके अलोंग क्या आएगा तो प्लस वन होगा, तो प्लस वन टाइम्स इसको और इसको ढक देंगे। ठीक है, सॉरी यहाँ पे माइनस नहीं देना, ये माइनस इससे एसोसिएटेड नहीं था, फोर से एसोसिएट नहीं था माइनस, ये माइनस यहाँ पे माइनस ये साइन कैरी कर रहा है, माइनस टू नहीं है एक्चुअली में टू नहीं लेके चल रहा, तो टू टू जा फोर फोर माइनस जीरो। प्लस वन, ठीक है, अब वन इसको ढक देंगे इसको इस तरीके से ढक देंगे, मेरे क्या आएगा फाइव टू जा टेन टेन माइनस जीरो। यहाँ पे जो साइन दिए हम लोग, ये जो कलर में साइन दिए ना ये एसोसिएटेड है, ये वाला टर्म के लिए साइन दिए हम लोग,
ये डिटरमिनेंट, आप ये मैट्रिक्स शुरू में अगर आप पहले से थोड़ा रिवाइंड करके पीछे देखिएगा तो अपने साथ कोई भी साइन कैरी नहीं किया होता। ये साइन ये इस डिटरमिनेंट के एक्सपेंशन के अलोंग किया है, डिटरमिनेंट निकालने के लिए जो एक्सपेंड किया इसको रो वाइज और कॉलम वाइज उसमें किया होता है, ये कंफ्यूज नहीं हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा आ रहा है 8 - 12 + 10 = 12 + 10 - 12 + 10 - 2 8 - 2 6। तो हम लोग देख सकते हैं कि जो मेरा 6 आ रहा है किसके रो के अलोंग एक्सपेंशन करने पे, और यहां पे जो मेरा 6 आ रहा है कॉलम के एक्सपेंशन करने पे, वो दोनों मेरा सेम आ रहा है। ठीक है, मतलब कि या आइदर हम रो के अलोंग करें या कॉलम के अलोंग करें, डिटरमिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं करेगा किसी भी पर्टिकुलर मैट्रिक्स के लिए। यानी कि डिटरमिनेंट हैज अ यूनिक नंबर, यूनिक नंबर ही डिटरमिनेंट, किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट एक यूनिक होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से नए टॉपिक्स के साथ मिलेंगे। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ऑसम डे।